तो आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एमएस एक्सेस डेटाबेस। तो आज हमारी पहली क्लास है एमएस एक्सेस डेटाबेस विद सिक्वल एंड वीवीए माइक्रो वीवीए प्रोग्रामिंग। तो चलिए इसके बारे में सबसे पहले थोड़ी सी ये लेते हैं, थ्योरिकल पार्ट लेते हैं। एमएस एक्सेस डेटाबेस का यूज होता कहाँ है इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि आप ऑफिस में या किस तरह के ऑफिस में इसका यूज करोगे, क्योंकि जैसे कि हमारी आपसे बात हुई आपका एमएस एक्सेस को सीखने का पर्पस है जॉब को, जॉब में हेल्प के लिए। सबसे पहले बता दूं इसको बोलते हैं, ये जो यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट ने जो इसको बनाया है, इसको जो डेफिनेशन दिया है कि एमएस एक्सेस डेटा को डेटाबेस यूज फॉर द एसएमई शॉर्ट मिनिमम इंटरप्राइज। तो क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम रिपोर्टिंग टूल्स एंड कैलकुलेशन टूल्स के लिए यूज करते हैं, वो नॉट ए डेटाबेस। तो डेटाबेस बतौर डेटाबेस हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को यूज करते हैं, लेकिन ये लार्ज डेटाबेस के लिए भी नहीं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 2 GB तक की ही है। 2 GB से ज्यादा के डेटा या कंटेंट को एक डेटाबेस में स्टोर नहीं हो सकता। इसलिए जो छोटे लोग हैं, मतलब छोटे उद्यमी हैं मेरे जैसे, या फिर जो छोटे मोटे जिनके पास डेटा 15-20 लाख तक का डेटा होता है, वो लोग जो है एमएस एक्सेस डेटाबेस को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि कॉर्पोरेट ऑफिस में फिर क्या होगा। तो कॉर्पोरेट ऑफिस में हम इसको एज ए हेल्पिंग टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जो एक्सेस से इजिली कनेक्ट हो जाते हैं, एक्सेल में दिक्कत होती है। बहुत ऐसे काम है जो कि एक्सेल में बड़ी लेंथी तरीके से होती है, एक्सेस में बड़ी आसानी तरीके से हो जाती है। जैसे आउटलुक की डेटा को इंपोर्ट करना, या फिर जैसे मान लीजिए ना आउटलुक की जो मेल डेटा होती है उसको इंपोर्ट करना, अब उस तरह की डेटाबेस को एक्सेल में इंपोर्ट करना मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। मुश्किल क्या, हो ही नहीं सकता। एक्सेस में हम सिंपल सा जाते हैं डेटाबेस टूल्स में, और यहां हम एक्सटर्नल डेटा सोर्स में, गलती कर दिया, एक्सटर्नल डेटा सोर्स में न्यू सोर्स पे आते हैं, और यहां आप फ्रॉम अदर सर्विसेज में आउटलुक फोल्डर दिख रहा होगा, आउटलुक फोल्डर को कनेक्ट करके पूरी मेल डेटाबेस ले आते हैं। इस तरह की फीचर एक्सेल में पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, एक्सेल पे अगर आप काम करते हो तो मल्टीपल पीसी पे काम करना, शेयरिंग मोड में काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे आपने एक फाइल को शेयर कर दिया, तो अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे अगर 20 लिख दिया और किसी ने भी यहाँ पे 20 लिख दिया, तो 25-20 से रिप्लेस हो जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम आती है शेयरिंग में, तो वहां पे हम एमएस एक्सेस का इस्तेमाल करते हैं कॉर्पोरेट ऑफिस में। तो अरुण जी, आपको समझ में आ गया होगा कि हम एमएस एक्सेस का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? यस सर। तो एमएस एक्सेस का इस्तेमाल मोस्टली एसएमई लोग करते हैं, शॉर्ट मिनिमम इंटरप्राइजेस, क्योंकि ये लार्ज डेटाबेस को नहीं रखता है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 2 GB तक की है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रोटेक्शन में ये एक्सेल से अच्छा है, लेकिन बाकी सॉफ्टवेयर से कमजोर है, तो प्रोटेक्शन में प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम डेटाबेस को एज ए डेटाबेस भी इसका यूज करना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। दूसरी चीज, इसका यूज हम लोग करते हैं कहाँ पे, क्लाइंट में डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए, जहाँ पे एक्सेल की कनेक्टिविटी ठीक नहीं होती, या फिर कुछ ऐसे काम एक्सेल पे बड़ी लेंथी तरीके से होता है, एक्सेस आसानी से कर देता है। तो बहुत सारे काम एक्सेल पे लेंथी तरीके से होता है, एक्सेस आसानी से कर देता है। और दूसरी, कभी कभी जो शेयरिंग में बहुत सारे पीसी पे जो हम डेटा कलेक्शन डेटा कलेक्ट का काम करते हैं, वो काम हमारा एक्सेल पे थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन एक्सेस बड़ी आसानी से कर देता है। समझ गए? अब हम बात करते हैं एमएस एक्सेस की स्ट्रक्चर के बारे में, कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, जैसे हम एक्सेल में फाइल क्रिएट करते हैं, वर्ड में फाइल क्रिएट करते हैं, ऐसे यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट होता है। जब आप ओपन करते हैं तो उसकी डेटाबेस क्रिएट होती है। डेटाबेस कुछ इस फॉर्मेट में होती है, आप देख रहे हैं। इसकी एक्सटेंशन की बात करें तो मोस्टली इसकी एक्सटेंशन होती है .sscdb।
ठीक है, एक्सेस डेटाबेस, ACC से एक्सेस, DB से डेटाबेस, इसका होता है। और जब हम एक नई MS एक्सेस को क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को जब ओपन करते हैं, तो न्यू डेटाबेस लेते हैं, तो उसी समय यहाँ पे इसका पाथ होता है और यहाँ पे डिफॉल्ट नेम होता है। डिफॉल्ट पाथ जो होता है माई डॉक्यूमेंट होता है। एक्सेस में खासियत क्या होती है, एक्सेस में हम लोग फाइल ऐसे ही क्रिएट कर लेते हैं, सेव बाद में करते हैं अपने हिसाब से, बट यहाँ सेव पहले होता है, क्रिएट बाद में होता है, मतलब काम करते करते ऑटोमेटिक वो सेव करता रहता है। ठीक है, कंट्रोल एस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हर इवेंट के बाद अपने आप को सेव कर लेता है। ठीक है रुन जी, यस सर। स्ट्रक्चर का समझते हैं कि हम एक ब्लैंक डेटाबेस को हम क्रिएट करेंगे, तो हम हमारे एक्सेस में मोस्टली चार कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है टेबल, टेबल जिस पे डेटा स्टोर होता है। मैं अगर कोई पुराना एक्सेस डेटाबेस अगर ओपन करूं तो आपको आसानी से दिखेगा। ठीक है, जो डेटा आप देख रहे हैं एक टेबल है जिस पे डेटा को स्टोर किया, समझे? तो ये स्टोरेज पॉइंट होता है, टेबल के ऊपर डेटा स्टोर होती है। फिर आती है फॉर्म, फॉर्म क्या करता है, डेटा को स्टोर करने का काम करता है, समझे? दूसरा होता है फॉर्म जहां से हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, मतलब कि डेटा टाइप करते हैं वन बाय वन, ये आपका फॉर्म कहलाता है। तो टेबल में डेटा स्टोर होता, टेबल में हम डेटा को स्टोर करते हैं और डेटा स्टोर में मदद करता है हमारा फॉर्म। एक एक करके वन बाय वन हम डेटा को इस तरह से स्टोर करते हैं। जैसे मान लीजिए न्यू पेज चले गए, जो जो हम फिल करेंगे ऑटोमेटिकली हमारा डेटा में चला जाएगा। ठीक है सर, ओके फॉर्म समझ गए? अरुण जी मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, तो फॉर्म का काम होता है डेटा स्टोर कर स्टोरेज करने में मदद करना, मतलब इंटरफेस की तरह वर्क करता है। तीसरा होता है आपका क्यूरी, क्यूरी का काम है अपने हिसाब से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, समझे? जैसे मान लीजिए कि मुझे यहां पे हमने डबल क्लिक किया क्यूरी, तो मेरे डेटा में से मेरे हिसाब से डेटा कैलकुलेट करके मुझे दे दिया आप। ठीक है, तो जैसे आपका डेटा है, तो डेटा में मान लीजिए पूरी डेटा नहीं चाहिए, फिल्टर समझ लीजिए ना, कि तो सिर्फ फिल्टर की तरह वर्क करता है, कि मुझे सिर्फ मान लीजिए दो तीन फील्ड चाहिए, या फिर मान लीजिए मुझे इस पर कंडीशन चाहिए ग्रेटर देन 60 का डेटा चाहिए, तो डेटा एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है आपका क्यूरी। क्यूरी में आप अपने हिसाब से नॉर्मल भी है और सिक्वल भी है लिख देते हैं, जो कैलकुलेशन जो आप कंडीशन देते हैं उसी कंडीशंस पे डेटा आपको बाहर मिलता है, डेटा का प्रीव्यू मिलता है, जिसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसको कहीं और यूज कर सकते हैं और जो करना है इसके ऊपर कर सकते हैं। तो आपका पहला हो गया टेबल जिसमें डेटा स्टोर किया, दूसरा हो गया हमारा फॉर्म जिसके जरिए हमने डेटा स्टोर कर दिया, तीसरा हमारा हो गया क्यूरी जिसमें हमने डेटा को जिसमें हम डेटा को फिल्टर किए। चौथा आता है रिपोर्ट, रिपोर्ट क्या होता है कि अगर डेटा डाउनलोड करना है आपको, क्यूरी ने आपको डेटा दे दिया लेकिन डेटा डाउनलोड करना है तो एक फॉर्मेट होना चाहिए ना, कि ऊपर कंपनी का, आपने बैंक के स्टेटमेंट देखी होगी ना सर, तो बैंक यस स्टेटमेंट अगर 10 पेजों का प्रिंट होता है तो हर पेज पे उसका टाइटल वगैरह फुटमार्क मुटमार्क होता है, टाइटल होता है, डेट एंड टाइम होता है, सब चीज होता है ना सर। सर, रिपोर्ट का काम यही है कि रिपोर्ट के फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करने में वो मदद करते हैं और उसमें आप अपने हिसाब से डिजाइन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसमें ये तो आपके चार पार्ट हो गए और दो इसका सपोर्टिंग लैंग्वेज है। पहला है सिक्वल, इसकी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को बोलते हैं सिक्वल, जो कि क्यूरी के अंदर मोस्टली यूज की जाती है, हालांकि उसको हम फॉर्म में भी यूज करते हैं लेकिन क्यूरी के मदद क्यूरी के जरिए उसको यूज करते हैं, राइट? दूसरा होता है
दिव्य मैक्रो जो कि हम फॉर्म पे इस्तेमाल करते हैं अपने हिसाब से कंडीशंस रखने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए, ठीक है, हम उसको यूज करते हैं फॉर्म के ऊपर, फॉर्म के ऊपर वीवी का। एक और आपका होता है प्री रिकॉर्डेड मैक्रो लिस्ट। तो प्री रिकॉर्डेड मैक्रो लिस्ट को भी हम यूज करते हैं कुछ कुछ जगहों पे, हम क्यूरी पे या फिर मोस्टली हम फॉर्म पे यूज करते हैं। तो मैक्रोज या वीवीए मैक्रोज का जो पार्ट हुआ वो हमारा फॉर्म के साथ चलता है, और आपका मोस्टली हम ये तो नहीं कहते सिर्फ फॉर्म में चलता है, मोस्टली फॉर्म के साथ चलता है, और जो आपका क्यूरी है, जो आपका एसक्यूएल क्यूरी लैंग्वेज है, वो मोस्टली आपका क्यूरी के साथ चलता है। क्लियर है? यस सर। अब जिस जहां की जहां तक मेरी बात है, जब मैं हर स्टूडेंट को सलाह देता हूं कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले एनालाइज कीजिए टेम्पलेट को। जितने भी सॉफ्टवेयर है, चाहे एक्सेल के सॉफ्टवेयर है, चाहे एक्सेस के है, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर है, वो आपको पहले से कुछ ही कुछ बने बनाए टेम्पलेट देते हैं जो कि आपको न्यू में मिलते हैं। ये रहा आपका टेम्पलेट। ये प्री यहाँ पे कुछ ऐसे प्री सजेस्ट टेम्पलेट है, आप अपने हिसाब से यहाँ देख भी सकते हो। तो मैंने बोला कि मुझे डेटाबेस चाहिए, तो डेटाबेस पे क्लिक किया तो डेटाबेस से रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ प्री डिफाइन आपको यहाँ पे दिख गया, प्री डिफाइन मिल गया, फॉर्मेट मिल गया। जैसे कि देखिए ये आपका असिस्ट चेकिंग फॉर्मेट है, कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस फॉर्मेट है, स्टूडेंट्स के रिलेटेड है, या कोई इवेंट मैनेजमेंट का है, या टास्क मैनेजमेंट है, या न्यूट्रिशंस है, या आपका चैरिटेबल कंट्रीब्यूशंस है, कॉल ट्रैकिंग है, कस्टमर सर्विस है, इन्वेंट्री का है, या लाइब्रेरी का है, या पर्सनल अकाउंट लेजर है, टाइम कार्ड है, समझ गए ना, टाइम एंड बिलिंग है, व्हीकल मेंटेनेंस का है, डेस्कटॉप बिजनेस अकाउंटिंग है, दिख रहा है ना आपको सर, अलग अलग है। तो चलिए हम इसमें बात करते हैं डेस्कटॉप बिजनेस अकाउंटिंग को। आप इसको क्रिएट करते हैं, डाउनलोड किया इसने, अब ये हमारा टेम्पलेट ओपन होगा। टेम्पलेट मतलब कि हर कुछ इसमें पहले से प्री डिजाइन किया हुआ है, बस आपको अपने हिसाब से यूज करना है, समझे? ये रहा, जैसे टेम्पलेट खोलते हैं आपको इस तरह से आता है अकाउंट ट्रांजेक्शन लिस्ट। आप यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं, यहाँ पे नंबर दे सकते हैं, ये आपका कैटलॉग कैटेगरी है, डिफाइन है, ये क्या है आपका फॉर्म है, इसके जरिए आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके है ये, आप यहाँ पे आपके पूरे ये है कैटेगरी हो गया, यहाँ पे है ये आपका ऑप्शन है, ये टेबल है, यहाँ पे आप देखिए टेबल है, आप यहाँ पे आईडी एंट्री टाइटल क्या है, एंट्री नंबर, एंट्री डेट, कैटेगरी, ट्रांजेक्शन अमाउंट, मेमो नंबर, इस तरह से आपके यहाँ पे कैटेगरी है। तो आप क्या क्या कैटेगरी मतलब होता है ना, अकाउंट आप टैली यूज करते हो तो अकाउंट में है ना कि हाँ भाई अकाउंटिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, बैंक सर्विसेज है, तो इतने से टाइप कैटेगरी बना रखे हैं, और आप यहाँ पे जो रखना चाहते हैं रख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे फिल्टर्स हैं, भाई आपके फिल्टर क्या क्या होगा, और इसके बाद आपका एक्सपेंसेज है, आपने एक्सपेंस क्या किया है, ये आपकी इनकम है कि आपकी इनकम क्या हुई है, ये आपका ट्रांजेक्शन अटेंडेड है, इसका फिल्टर डिटेल्स है, यहाँ से आप यूज कर, ये फॉर्म आ गया। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी इनकम क्या हुई है, और यहाँ पे नहीं फिल्टर डिटेल्स का है, यहाँ पे देखिए फॉर्म बना हुआ है, मैं यहाँ से क्लोज करूँगा तो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इस पे यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये माइक्रो है सपोर्टिंग के लिए, माइक्रो यहाँ पे बनाया हुआ है, और ये जो आपका दिख रहा है ये इसके रिपोर्ट्स है, यहाँ पे आप अकाउंट ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट निकाल सकते हो एक एक फॉर्मेट में, दिख रहा है आपको, कैटेगरी का, इनकम का एंड टैक्स रिपोर्ट का, ये आपका रिपोर्ट हो गया। तो ये बने बनाए फॉर्मेट है, बस आप अपना डेटा डालिए और अपना यूज कीजिए, समझे?
ठीक है सर। हेलो तो ये आपका टेम्पलेट है। तो अभी आपको क्या करना है कि अभी आप फाइल मेनू बार पे जाएं, न्यू पे जाएं और कुछ टैंपलेट्स को डाउनलोड करके उसको एनालाइज करें, क्योंकि ये आपको सीखने में मदद करते हैं कि आखिर आपको किस तरह का रिकॉर्ड बनाना है। ठीक है, तो हम आपको वन बाय वन चीजें पढ़ाएंगे। पहले हम आपको टेबल्स पढ़ाएंगे, फिर हम आपको फॉर्म्स पढ़ाएंगे, फिर आपको हम क्यूरी पढ़ाएंगे, फिर सिक्वल क्यूरी पढ़ाएंगे, फिर आपको फॉर्म वीवीए पढ़ाएंगे, फिर रिपोर्ट्स पढ़ाएंगे। हेलो, तो आप जो है बैठ के आराम से इसकी 8-10 फॉर्मेट अरुण जी यूज कीजिए।